नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम सभी की चाहत होती है कि हम हमेशा फिट और स्वस्थ बने रहें और वो सारी तमाम तरह की गंभीर समस्याएं जो हमें अपने वश में कर सकती है उनसे हम कोसों दूर रहें। लेकिन दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि हम हमारी डेली जो लाइफस्टाइल होती है उसमें कुछ चेंजेस करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक प्रॉपर टिप्स को फॉलो करेंगे जो आज हम देने वाले हैं तो आप ज़िंदगी में कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे और कोई भी बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो टिप्स कौन कौन सी है जिनको आप ज़रूर जहन में रखें और इनको फॉलो ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप हमेशा फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और बीमारियां आपको छू तक नहीं पाएंगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उन महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में। दोस्तों, आप नियमित मेडिटेशन, योग और ध्यान लगाएं। जी हाँ दोस्तों, इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है और आपका तनाव यानी कि डिप्रेशन दूर होता है। इसके अलावा हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको हरी सब्जियां और ताज़े फलों का सेवन ज़रूर करना है, क्योंकि खाने में इस्तेमाल किए जाने वाले मसाले अनाज को सही तरीके से स्टोर करके रखना है और जिन खाद्य पदार्थों की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है उन्हें भूलकर भी नहीं खाना है। दोस्तों, इसके अलावा घर की साफ़ सफाई का आप खासा ख्याल रखें। जी हाँ, ख़ास तौर पर रसोई और जो बाथरूम होता है वहाँ के पानी को कहीं भी जमा ना होने दें। सिंक, वॉश बेसिन आदि जगहों पर नियमित रूप से आपको सफाई करते रहनी चाहिए। घर को साफ करने के लिए आप फिनाइल फोर क्लीनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने की किसी भी चीज़ को कभी भी खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। कच्चे और पके भोजन को अलग अलग करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पकाया गया भोजन अभी हाल फिलहाल में हो और जो कच्चा भोजन है उन दोनों को आप एक दूसरे में शामिल करके एक ही बॉक्स में रख दें। इसके अलावा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ऑयली और मसालेदार भोजन करने से तो आपको बचना ही चाहिए। देखिए दोस्तों, ऑयली चीज़ें और मसालेदार जो चीज़ें होती है वो चाहे खाने में कितनी भी टेस्टी क्यों ना हो, लेकिन जब जब भी आप इनका सेवन करते हैं तो आपको अनेकों बीमारियां होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। हम ये नहीं कहते कि ज़िंदगी में कभी भी आप ऑयली चीज़ें या फिर मसालेदार खाना ही छोड़ दें। आप कभी कभी खा सकते हैं, महीने में एक या दो बार आप खाएंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टेस्ट का सवाल होता है और सभी लोग अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनके मुंह से पानी टपकने लगता है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर बीमारियों का भी बढ़ना लाजमी होता है। तो इसलिए जितनी इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा दोस्तों, खाना पकाने और खाने वाले बर्तन को हमेशा साफ रखें। फ्रिज, ओवन, इन सभी की नियमित रूप से सफाई करते रहें। कभी भी गीले बर्तनों को रेक में ना रखें और बिना सूखे हुए डिब्बों में ढक्कन ना लगाएं। ये भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, खाने में दोस्तों बात करें तो दूध, दही, दलिया, हरी सब्जी, सलाद, साबुत अनाज, इन सभी को ज़रूर शामिल करें अपनी डाइट में। कोशिश यही करें कि आपके पेट में वैरायटी ऑफ फूड शामिल हो। जी हाँ दोस्तों, खाना पकाने और पीने के लिए एकदम साफ पानी का इस्तेमाल करें। फलों और सब्जियों को बिल्कुल अच्छी तरह से धोकर ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, भोजन पकाने के लिए अनसेचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स जैसे कि सोयाबीन, सूरजमुखी का तेल, मक्का या ओलिव ऑयल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ऐसा इसलिए दोस्तों, जितना ज़्यादा आप इन ऑयल्स का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। दोस्तों, खाने में आपको चीनी की और नमक की मात्रा जो होती है वो बिल्कुल ही कम, जितना आप कर सकते हैं उतना कम मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो आपसे अनेकों गंभीर जो बीमारियां होती है वो कभी आपको छू नहीं पाएंगी। इसके अलावा जंक फूड, आर्टिफिशियल फूड और जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है जिनके हम सभी लगभग शौकीन होते हैं, इनका बिल्कुल ही कम सेवन करना चाहिए। दोस्तों, अधिकतर होता क्या है कि जितने भी पैक्ड फूड जो होते हैं, जंक फूड जो होते हैं, जिनको खाना एक तरीके से हमारा शौक होता है, तो इन फूड्स को शौक के हिसाब से ही खाना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इनके इतने ज़्यादा शौकीन होते हैं कि हर पाँचवें दिन, छठे दिन या तीसरे दिन इन चीज़ों का
सेवन कहीं ना कहीं करते जरूर हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उनको मोटापे की समस्या घेर सकती है और भी कई प्रकार की समस्याएं उनको घेर सकती है। तो इन चीज़ों को जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों एक महत्वपूर्ण टिप्स हम आपको ये भी देना चाहते हैं कि आपको ये कोशिश करनी है कि रात को जब आप अपना डिनर करें तो 8 बजे से पहले ही आप अपना डिनर कर लें और रात को जितना ज़्यादा हो सके उतना हल्का खाना खा सकते हैं। देखिए दोस्तों हर बार इस चीज़ का तो हमें खासा ख्याल रखना पड़ता है, जब बात हमारे स्वास्थ्य की आती है तो रात का डिनर सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें जितना ज़्यादा भूख है उससे भी ज़्यादा हम ओवर ईटिंग कर लें, क्योंकि अगर आप रात को ऐसा करेंगे तो जितना आपके शरीर को ज़रूरत है केवल उतना ही खाना दें, ओवर ईटिंग करेंगे तो आपको मोटापा घेर सकता है। और मोटापे के अलावा भी ज़्यादा खाना खाना सेहत के लिहाज से हर प्रकार से प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करता है, तो कम खाएं। हाँ सवेरे के वक्त आप अपना भरपूर आहार ले सकते हैं, क्योंकि सवेरे के टाइम जब हम खाना खाते हैं तो पूरा दिन होता है उसे कैलोरी को बर्न करने में, इसलिए आप सवेरे तो फिर भी खा सकते हैं लेकिन रात का भोजन ट्राई कीजिए कि जितना कम हो सके उतना कम खाएं तो आपके लिए, या फिर हल्का भोजन खाएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। दोस्तों हर दिन कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर करें, हम ये नहीं कहते आप जिम जाएं, नहीं आप घर पर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं केवल आप 20 से 25 मिनट भी अपने शरीर को देंगे, कोई ना कोई व्यायाम करेंगे, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करेंगे तो आप हमेशा फिट और फाइन रहेंगे और आपका शरीर कभी बीमार नहीं पड़ सकता। तो दोस्तों ये थे वो अनमोल टिप्स जिनको अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो ज़िंदगी में बीमारियां आपको कभी छू भी नहीं पाएंगी और आपसे हमेशा कोसों दूर रहेंगी। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की जानकारी, उम्मीद करता हूँ वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। धन्यवाद दोस्तों।